हेलो दोस्तों जय महाकाल मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सोने टू इन्फिनीटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों अगर वीडियो जो दोस्तों ये आपके इंपोर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से क्योंकि ये एन ग्रुप डी और जो आर एस यू की तैयारी कर रहे हैं उनमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे कैसे उन्हीं के जरिए हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे बाद में जो आपको पटवारी और वनपाल वन रक्षक हाईकोर्ट इन सभी में आपको सहायता मिलेगी दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना मौर्य प्रशासन जो पटवारी की दृष्टि से बेहद उपयोगी है क्योंकि आर और यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो ऐसे कैसे आर एस के क्वेश्चनों में से आते हैं तो दोस्तों उनके बारे में हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों मौर्य प्रशासन के बारे में तो देखिए मौर्य प्रशासन को हम जान लेते हैं कि मौर्य प्रशासन ओनली प्रशासन पढ़ेंगे दोस्तों और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे इसमें ओनली प्रशासन प्रशासन की जानकारी लेंगे तो देखो मौर्य प्रशासन में जो दोस्तों राजा का कार्य होता था तो राजा का कार्य होता था प्रशासन सैनिक न्यायिक शक्तियों का प्रमुख होता था क्या होता था राजा एक तो प्रशासन सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ इनका प्रमुख होता था दोस्तों राजा याद रखना दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अमात्य को क्या कहते थे दोस्तों अमात्य क्या काम में आता था वहाँ तो ये राजा की जो मंत्री परिषद होती है उसका हेड होता था अमात्य तीर्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों तीर्थ में मंत्रियों की कुछ मंत्री जो प्रशासन में मदद करते थे उन्हें हम तीर्थ कहते थे और दोस्तों आपको बता दूं कि चाणक्य के अनुसार तीर्थों को 18 वर्गों में बांटा गया है 18 विभागों में बांटा गया है वो आगे पढ़ेंगे हम देखो इसमें एक तो था समाहर्ता कौन सा इनमें जो तीर्थ थे उनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि समाहर्ता क्या काम करता था तो दोस्तों समाहर्ता राजस्व के प्रधान होते थे क्या होते थे समाहर्ता राजस्व के प्रधान होते थे दोस्तों इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा और दोस्तों जो आय प्राप्त होती थी इनके द्वारा जो आय प्राप्त होती थी दोस्तों उसे बलि या भाग भी कहते थे क्या क्या, क्या कहते थे बलि या भाग आर एस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है सन्निधाता को क्या कहते थे तो दोस्तों सन्निधाता की बात करें तो सन्निधाता को दोस्तों राजकीय राजकीय कोषाध्यक्ष यानी वर्तमान में हम इसे मुख्य वित्त मंत्री के रूप में जानते हैं दोस्तों तो पहले क्या बोलते थे मौर्य काल में से सन्निधाता बोलते थे दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में इसे वित्त मंत्री के नाम से जानते हैं सीता अध्यक्ष क्या होता है दोस्तों सीता अध्यक्ष के बारे में बता दूं आपको तो सीता अध्यक्ष एक राजकीय विभाग अध्यक्ष होता था राजकीय विभाग अध्यक्ष और सीता भूमि को दोस्तों मौर्य काल में सरकारी भूमि के नाम से जानते थे ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा कि सीता भूमि सरकारी भूमि के नाम से भी जानते थे सीता सीता भूमि को दोस्तों अध्यक्ष क्या तो, होता था अध्यक्ष दोस्तों जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था अध्यक्ष बोलते थे उसे याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी अक्ष पटलाध्यक्ष अक्ष पटलाध्यक्ष को दोस्तों महालेखाकार का बोलते हैं क्या बोलते हैं महालेखाकार अब बता दूं आपको मैंने बताया कि कौटिल्य ने, ने जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य ने, ने लिखी थी तो उसमें 18 तीर्थ या विभागों के बारे में बात की थी उन्होंने तो दोस्तों अट्ठारह इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ लेते हैं कि अट्ठारह में से छठा नंबर का है मंत्री और पुरोहित ये क्या काम करते थे दोस्तों मंत्री और पुरोहित जो धर्म का अधिकार होते हैं उससे संबंधित काम करते थे धर्म अधिकार ठीक है सेनापति क्या काम करते थे दोस्तों सेनापति आपको पता है कि युद्ध विभाग में सहायता करते थे युद्ध विभाग की जानकारी रखते थे इन सभी को सेनापति युद्ध विभाग से संबंधित थे प्रदेष्ठा क्या कहलाता दोस्तों याद रखिएगा प्रदेष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से तो ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था प्रदेषा क्या होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था व्यवहारिकी क्या होता था दोस्तों व्यवहारिक इसमें दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश को बोलते थे व्यवहारिकी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को बोलते थे दोस्तों प्रदेष्ठा दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कर्मांतिक क्या होता है दोस्तों कर्मांतिक को बोलते हैं दोस्तों उद्योग धंधों को जो प्रधान निरीक्षण करता था उसे बोलते थे कर्मांतिक ठीक है अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था दोस्तों अंतपाल नागरिक को बोलते हैं दोस्तों नगर का मुख्य अधिकारी बोलते हैं नागरिक को और अनुवंशिक अनुवंशिक बोलते थे सम्राट का जो अंग रक्षक होता है दोस्तों उस अंग रक्षक सेना होती है उसका मुख्य अधिकारी बोलते थे दोस्तों अनुवंशिक अनुवंशिकॉक देखिए दोस्तों अब प्रशस्ता के बारे में जान लेते हैं कि प्रशस्ता को क्या कहते थे विभागों तो की, की बात की गई थी जिसमें चौदह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है जो अधिकतर इनमें से एग्जाम में पूछे गए हैं आर एस के अंदर क्वेश्चन ठीक है अब मैं आपको बता दू चाणक्य ने जो चतुरंगल बल बनाया पूछ ले कि चतुरंग बल किसने बनाया तो चाल चाणक्य ने ये चतुरंगल बल बनाया उसमें दोस्तों एक तो पैदल सैनिक हुआ करते थे एक घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे एक हाथी सेना होती थी और एक युद्धरथ होता था ये चारों होते थे दोस्तों चतुरंगल बल में पैदल सैनिक घुड़सवार हाथी सेना और युद्धरथ सेना इन्होंने इस इन्हें ही चतुरंगल बल के नाम से जानते थे ठीक है तो ये किसने बनाया था दोस्तों चाणक्य ने ये भी याद रखिएगा आप राजा न्याय का सर्वाच्च अधिकारी भी होता था मैंने आपको बताया कि राजा किसका अधिकारी होता था न्याय का दोस्तों अधिकारी भी होता था और मैंने क्या क्या बताया था राजा को प्रशासनिक सैनिक बताया था न्यायिक शक्तियों का प्रमुख बताया था तो इसको भी याद रखना कि राजा न्याय का सर्वाच्य अधिकारी भी होता था ठीक है अब है न्याय से संबंधित तो दोस्तों न्याय से संबंधित आपको बता दूं कि एक तो होता था धर्म क्या होता था धर्म तो इसके बारे में बता दो कि दीवानी अर्थात स्त्री धन या विवाह संबंधित जो भी विवादों का निपटारा करते थे वो धर्म स्तरीय करते थे उनको क्या बोलते हैं धर्म स्त्रीय जो दीवानी अर्थात स्त्री धन या विवाह संबंधित जो भी विवाद हुआ करते थे पहले उसका निपटारा ये करते थे दोस्तों धर्म स्त्रीय ठीक है अब एक होता है न्याय का एक और करते हैं न्याय उसे बोलते हैं कंटक शोधन क्या बोलते हैं उसे कंटक शोधन याद रखिएगा फौजदारी अर्थात हत्या और जो मारपीट से जैसी समस्याएं होती थी उनका निपटारा करते थे दोस्तों ये कंठशोधन ठीक है तो ये हो गया इसका अब हम जनपद और गांव के बारे में बात कर लेते हैं कि जनपद और गांव का प्रशासन कैसा हुआ करता था तो इसके बारे में बता दूं आपको कि दोस्तों सबसे पहले बात कि जनपद और गांव किसके आधार पर बटे होते थे तो नागरिकों के आधार पर ही होती थी इनकी जनपद और गांव प्रशासन ठीक है अब जनपद की जनपद स्तर पर दोस्तों याद रखिएगा प्रदेष्टा जनपद स्तर पर क्या होता है प्रदिष्ठा अधिकारी प्रदिष्ठा अधिकारी पूरे जनपद में कामकाज की जिम्मेदारी थी अधिकारी की क्या थी पूरे कामकाज की जिम्मेदारी थी और एक बार और बता दूं दू अधिकारी को याद रखना क्योंकि प्रदेषाधिकारी हमने पहले भी पढ़ा था ये किससे संबंधित था मैंने पहले भी बताया था आपको ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था ये भी ध्यान रखिएगा भूलना मत अभी हम पढ़ के ही आए हैं तो प्रदिष्ठाधिकारी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश भी था और प्रदिष्ठाधिकारी पूरे जनपद में जो कामकाज था उसकी जिम्मेदारी भी रखता था ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों जो प्रादेशिक अधिकारी होते थे जैसे प्रादेशिक अधिकारी जो मंडल का प्रधान होता था क्या होता था प्रादेशिक प्रादेशिक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था उसका कार्य आजकल के जो संभागीय आयुक्त तो जैसा होता था क्या होता था प्रादेशिक अधिकारी का कार्य दोस्तों तो उसको जो अभी वर्तमान में जो संभागीय व्यवस्था को संभालते हैं आयुक्त उनके जैसा काम था उनका प्रादेशिक अधिकारियों का राजू की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट राजकू क्या बोलते हैं राजकू तो ये भूमि की पैमाइश या नापझोंक का कार्य करता था बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया है यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो राजूक क्या काम करता था भूमि की पैमाइश या नापझोंक का कार्य करता जो भी पटवार करते हैं तो ये पटवारी के लिए भी बहुत उपयोगी है राजस्थान पटवारी के लिए तो युक्त जिलाधिकारी थे युक्त क्या थे दोस्तों एक जिलाधिकारी थे युक्त जो इन्हें ग्रामीण भी कहते थे क्या बोलते हैं इन्हें युक्त एक जिला का अधिकारी भी थे और इन्हें ग्रामीण बोलते थे क्या बोलते थे ग्रामीण और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों गोप स्थानीय जिसके अंडरलाइन हो रहे वो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा तो गोप और स्थानीय क्या काम करते ये दो अधिकारी होते थे दोस्तों जो ग्राम और जनपद के बीच में क्या करते थे मध्यस्थता का, का काम करते थे दोस्तों ठीक है जो गाँव और जनपद के अंदर जो भी मध्यस्थता जो भी कार्य होते थे उनको एक दूसरे में मतलब मध्यस्थता का कार्य ये ये दोनों ही करते थे ठीक है ग्राम के बारे में बात करते तो ग्राम के मुखिया को दोस्तों क्या बोलते थे वहाँ उस समय मौर्य काल में तो ग्रामणी बोलते थे क्या बोलते थे ग्रामणी बोलते थे और सबसे नीचे स्तर ग्राम थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सबसे नीचे स्तर पर कौन सी संस्था थी तो दोस्तों याद रखिएगा ग्राम थी कौन सी थी ग्राम और एक बात और ये जो गुप्तचर होते हैं दोस्तों उनको गुप्तचरों को पहले बोलते थे गुड पुरुष क्या बोलते थे गुड पुरुष ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर ये यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों वो एक क्वेश्चन में आपको पता है मिलान कीजिए या सही है या नहीं ये बड़े क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हीं के क्वेश्चन उठाए गए हैं ये दोस्तों याद रखिएगा तो इन्हें बोलना नहीं मौर्य वंश के दोस्तों पांच प्रांतों को विभाजित किया गया था कितने प्रांतों को यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी क्या है प्रांत प्रांतों में विभाजित किया गया था वंश को कौन कौन से पहले प्रांत दिया हुआ है और फिर राजधानी दी हुई है दोनों को इंटस्ट याद करना कंटेस्ट दोस्तों तो देखिए अब मैं बता दूं आपको जो उत्तरा था उत्तरापंत जो प्रांत था दोस्तों पहले पांच प्रांत बता देता हूँ आपको उत्तरापंत दक्षिणापंत प्राशी जो पूरा में पड़ती थी अवंती और कलिंग ये पांचों थे अब इनकी राजधानी जरूर याद रखिएगा दोस्तों उत्तरापंत की राजधानी दोस्तों थी तक्शिला क्या थी तकशिला और दक्षिणा पंथ की राजधानी थी दोस्तों स्वर्णगिरी ठीक है और प्रासी या पूर्व की राजधानी थी पाटलिपुत्र ये भी याद रखना अवंती की बात करते हैं तो अवंती को आपको याद होगी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी दोस्तों तोसली ये इम्पोर्टेंट है पाँचों इम्पोर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपको भी पता होगा हर एग्ज़ाम एस एस सी राजस्थान पुलिस सभी में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों जिसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए एग्जाम की दृष्टि से तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों गोप किसे कहते हैं क्या बोलते हैं गोप यह गोप है दोस्तों याद रखिएगा गो नहीं है गोप है तो गोप की बात करते हैं दोस्तों कि गोप क्या है ये दस गांवों के एक समूह को कहते थे गोप याद रखिएगा दस गांवों के एक समूह को क्या बोलते थे गोप बोलते थे दोस्तों अब बात करते हैं प्रांतों को जो छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था क्या है जो प्रांत होते थे उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित किया कर दिया जाता था पहले तो उन्हें बोलते थे दोस्तों विषय क्या बोलते थे इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता था उसे क्या कहते थे तो दोस्तों उसे विषय कहते थे और इसके मुखिया को दोस्तों विषयपति कहते थे क्या बोलते थे विषयपति बोलते थे या फिर प्रादेशिक बोलते थे ठीक है दोनों याद रखिएगा अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नगर प्रशासन के बारे में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है इसमें भी देखिए ये इम्पोर्टेंट की दर इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा अब मैं आपको बता दूँ एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा अब बताऊँ आपको मेगस्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी कई बार पूछा गया है एस में भी कई बार पूछा गया है यूपीएससी में भी पूछा गया है तो दोस्तों मेगस्तनीज की बात करता हूँ तो मेगस्तनीज दोस्तों उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी और अब बता दूं कि इस इंडिका के अंदर जो नगर प्रशासन की बात की उसमें छः समितियां बनाई गई थी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे गए क्वेश्चन है अंडरलाइन जिसके भी हो रही है तो दोस्तों नगर प्रशासन छः समितियां बनाई गई थी याद रखिएगा और प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य हुआ करते थे छः समितियां बनाई गई थी एक समिति में पाँच सदस्य हुआ करते थे टोटल मिलाकर कितने सदस्य हो गए तीस सदस्यों की एक कमेटी थी दोस्तों क्या होती थी तीस सदस्यों की एक कमेटी हुआ करती थी द्वारा नगर का प्रशासन का कार्य किया जाता था जिसके द्वारा क्या किया जाता था नगर के प्रशासन का कार्य किया जाता था ये भी याद रखिएगा दोस्तों छह समितियां थी इंडिका पुस्तक के अंदर और छह समितियाँ की एक समिति के अंदर दोस्तों तो पांच सदस्य थे और इन सदस्यों से मिलकर एक कमेटी का निर्माण करते थे उसमें तीस सदस्य हुआ करते थे और यही तीस सदस्य नगर के प्रशासन का कार्य भी करते थे ठीक है अब नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों देखिए मोरी समाज के बारे में जानते हैं कि मोर्य समाज में दोस्तों कोटिल्य के अनुसार क्या वा क्या कहा गया और मेगस्तनीज के द्वारा क्या कहा गया तो याद रखिएगा दोस्तों कि कोटिल्य के अनुसार समाज को चार वर्गों में बांटा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कोटिल्य के अनुसार समाज को चार वर्गों में बांटा गया था ठीक है और मेगस्तनीज के अनुसार बता दूं आपको कि मेगस्तनीज के अनुसार अगर पूछा जाए कि समाज को कितने ज़्यादा कितने भागों में बांटा गया है तो दोस्तों मेघस्तनिज के अनुसार सात वर्गों में बांटा गया है मेघस्तनिज के अनुसार कौटिल्य के अनुसार चार वर्गों में और को मेघस्तनिज के अनुसार सात वर्गों में बांटा गया है याद रखना वेश्यावर्ति करने वाली महिलाओं को दोस्तों रूपा जीवा कहते थे मौर्य काल के अंदर बाहर न जाने वाली स्त्रियों को दोस्तों अनिष्कासिनी बोलते थे उन महिलाओं को इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपको भी देखने को मिले होंगे तो मौर्य अर्थव्यवस्था की बातें कर लेते हैं दोस्तों मौर्य अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था के आधार पर दोस्तों किस आधार पर अर्थव्यवस्था की जाती थी तो दोस्तों कृषि का मेन आधार था उनका क्या था अगर अर्थव्यवस्था का आधार पूछ ले तो वो था कृषि क्या था दोस्तों कृषि अब बता दूं आपको दोस्तों कर की बात करते हैं तो दोस्तों एक बटा छः से एक बटा चार भाग राजस्व का लिया जाता था उनसे कर के हिसाब से ठीक है ये भी याद रखना तो मौर्य काल का जो प्रमुख उद्योग था आधार पूछ ले कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था तो कृषि था ठीक है प्रमुख उद्योग पूछ ले तो दोस्तों उद्योग तो था वस्त्र उद्योग क्या था वस्त्र उद्योग और बता दूं आपको कि जो टैक्स चोरी करने वाले थे उनको मृत्युदंड का प्रावधान था दोस्तों जो भी टैक्स चोरी किया करते थे उनको मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रमुख बंदरगाह कौन था मौर्य काल के अंदर प्रमुख बंदरगाह कौन था तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कई बार पूछा गया कि मौर्य काल में मौर्य प्रशासन के अनुसार प्रमुख बंदरगाह कौन था, था तो दोस्तों भरोच जो गुजरात में पड़ता है याद रखिएगा स्वर्ण सिक्कों को निष्क या स्वर्ण कहा जाता था क्या कहा जाता था स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों निष्क याद रखिएगा चांदी के सिक्कों को दोस्तों कासापण या धारण कहते थे तांबे के सिक्कों को दोस्तों मासक कहते थे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा और छोटे छोटे जो तांबे के सिक्के होते थे उनको दोस्तों कौकर्णी कहा जाता था ये भी इम्पोर्टेंट है कोकर्णी कहा जाता था छोटे छोटे सिक्कों को, को। लक्षाध्यक्ष क्या क्या होते थे दोस्तों लक्षाध्यक्ष किसे बोलते थे तो ये होते हैं दोस्तों राजकीय जो टकसाल का अध्यक्ष होता था जो टकसाल वाला अध्यक्ष होता था उनको लक्षाध्यक्ष कहते थे दोस्तों और आपको बता दूँ कि रुमनीदेई जो शिलालेख है जो किसका है अशोक का उसके ऊपर दोस्तों करारोपण का विवरण मिलता है अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक के काल में करारोपण का विवरण किस शिलालेख द्वारा मिलता है दोस्तों तो ये है दोस्तों रुमनीदे शिलालेख याद रखिएगा इसके अनुसार कर की राशि कुल उत्पाद का एक बटा आठ थी जितना भी उत्पाद कर देते उसका एक बटा आठ राजा को देना पड़ता था ठीक है एवं बलि को माफ कर दिया गया जो बलि था उसको माफ कर दिया गया कर था एक ये भू राजस्व का भाग भू राजस्व को भाग कहा जाता था ये भी याद रखिएगा कि भू राजस्व को क्या कहा जाता था भाग भी कहा जाता था कुछ कर थे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता देता हूँ एक तो था कर क्या था कर जो क्या करते थे बलिकर कर किससे लेते थे किस काम में आता था तो दोस्तों आपको बता दूँ कि कर जो था उसके बारे में आपको बताऊँ मैं कर दोस्तों वह उपकर था जिसके बारे में जो राजा उपज के भाग के अतिरिक्त प्रजा से लेता था क्या था यहां पे थोड़ा हो गया वह उपकर ठीक है ये याद रखना वह उपकर मुकर नहीं उपकर जो राजा उपज के भाग के अतिरिक्त प्रजा से लेता था नेता नहीं लेता था ठीक है बलिक वो होता था दोस्तों ठीक है याद रखिएगा अब मैं आपको बताऊं पिंड कर क्या होता था इसमें पिंड कर भी होता था सेना भक्त कर भी होता था हिरण्य कर भी होता था प्रणय कर भी होता था तो ये याद रखिएगा दोस्तों कई बार देते हैं कि मौर्य प्रशासन में कौन कौन से करते तो बलि कर हो गया पिंड कर हो गया सेना भक्त कर हो गया हिरण्य कर हो गया प्रणय कर हो गया तो आपको इम्पोर्टेंट के बारे में तो मैं बता देता हूँ पिंड कर देखिए दोस्तों पिंड कर कुछ गाँव जो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों मैं आपको ऐसे बता देता हूँ लिख लिए गया प्रणय कर क्या होता है प्रणय कर नहीं पिंड कर है पहले तो पिंड कर है दोस्तों देखो पिंड कर की बात बताऊँ आपको मैं तो पिंड कर कुछ गांवों को जो कर इकट्ठा देने देना होता था उसे कहते थे जो मतलब गाँवों का जो कर इकट्ठा देने होता था उसे कहते थे दोस्तों पिंड कर ठीक है इकट्ठा देना होता एक होता था सेना भक्त कर ठीक है एक होता था हिरण्य कर हिरण्य कर दोस्तों ये किसानों से नगद कर के रूप में लिया जाता था ये याद रखिएगा कि हिरण्य कर कौन सा था ये किसानों से नगद कर के रूप में लिया जाता था हिरण्य कर प्रणय कर की बात करता हूँ ये एक प्रकार का युद्ध करता दोस्तों कैसा करता यह एक प्रकार का युद्ध करता दोस्तों इसका उल्लेख सबसे पहले पणिनी ने किया ये भी याद रखिएगा इस प्रणय कर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया तो दोस्तों बता दूं आपको पाणिनि ने इस कर का उल्लेख सबसे पहले किया था परंतु पहली बार इसका विस्तार विवरण अर्थशास्त्र में हुआ है दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि पहली बार विस्तार कहाँ हुआ उस प्रणय कर का तो अर्थशास्त्र में इसका विस्तार हुआ ठीक है वनों के बारे में बता दो कि वन दो प्रकार के होते थे एक तो होता था हस्ती वन और दूसरा द्रव्य वन ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है कई बार पूछे गए हैं ठीक है ये इसीलिए डाले गए हैं इसमें फिर है नेक्स्ट मौर्य काल की वित्तीय वर्ष जुलाई या आषाढ़ से प्रारंभ होता था ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में जो वित्तीय वर्ष होता था वो कब से शुरू होता था या कब से स्टार्ट होता था इम्पोर्टेंट है दोनों तो वो है दोस्तों आषाढ़ या जुलाई बोल सकते हैं जुलाई या आषाढ़ से प्रारंभ होता था मौर्य काल में प्रचलित जो विनिमय का माध्यम था वो क्या था दोस्तों ये भी याद रखना पण सिक्का क्या सिक्का था पण सिक्का था दोस्तों जो विनिमय का माध्यम हुआ करता था अब आपको बता दो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों यूपीएससी और आर से उठाए गए क्वेश्चन है आपको बताऊं कि ये ऐसे चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन डाल देते हैं मैंने सबको अलग अलग कर दिया है तो उसको ध्यान रखिएगा और बाकी मैं आपको सब बता दूंगा तो दो पहले देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको आपके सामने है कि मौर्य प्रशासन में जो न्यायिक शक्तियाँ का प्रमुख होता था वो कौन होता था मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मौर्य प्रशासन में न्यायिक शक्तियों का मुखिया कौन होता था तो मैंने आपको बताया कि इसमें न्यायिक शक्तियों का मुखिया दोस्तों राजा हुआ करता था ये भी याद रखिएगा ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये वाला कि राजा की मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे तीर्थ कहते थे समाहर्ता कहते थे अमात्य कहते थे अंतपाल कहते थे बताइए चारों ऑप्शन है आपके पास तो आपको बता दूं मैं तीर्थ तो पूरे मंत्रियों की कुछ मंत्री जो प्रशासन में मदद करते थे वो होते थे तीर्थ समाहर्ता के बारे में बता दूं दोस्तों कि समाहर्ता क्या होता था समाहर्ता समानता दोस्तों राजस्व के प्रदान होते थे राजस्व के प्रदान होते थे ठीक है और अंतपाल के बारे में बता दूं दोस्तों कि अंतपाल क्या होता थे जो सीमावर्ती जो दुर्ग होते हैं उनके रक्षक होते थे ठीक है अमात्य तो अमात्य इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों अमात्रेय राजा की एक मंत्रिपरिषद होती थी ठीक है तो अमात्य उसे कहते थे राजा की एक परिषद होती थी ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन मौर्य काल की में भूमि की पैमाइश का कार्य कौन करता था इंपॉर्टेंट बताया था मैंने उसी वक्त तो आपको पता है कि मौर्य काल में भूमि की पैमाइश का कार्य कौन करता था दोस्तों आपको भी पता है तो राजुक क्या करते थे कौन करते थे राजुक मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था तो इसका आंसर है दोस्तों राजुक ठीक है समार्ता के बारे में बता दिया अमात्य के बारे में बता दिया गोप के बारे में भी क्वेश्चन आएगा गोप के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों गोप को क्या कहते थे दस गांवों के समूह को गोप कहते थे ठीक है ये भी याद रखिएगा अब नेक्स्ट चलते हैं अपन राजुक हो गया मौर्य काल में निम्न स्तर पर कौन सी संस्था हुआ करती थी दोस्तों मैंने आपको बताया बताए बिताए तो ये इम्पोर्टेंट था तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ग्राम क्या होती थी ग्राम अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मौर्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपीएससी और आर के क्वेश्चन है ये उन्हीं से उठाए गए थे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी और आरएस ठीक है तो मौर्य वंश को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है दोस्तों मैंने आपको बताया था पांच प्रांत थे कौन से उत्तरापंथ दक्षिणापंत प्राची अवंती और कलिंग ठीक है इनकी राजधानी के बारे में बताया था तक्षशिला स्वर्णगिरी पाटलिपुत्र उज्जैनी तोसली इन सभी के बारे में याद रखना दोस्तों ठीक है तो पाँच हो गए इसके बारे में आपको मैंने बताया कि ये पाँच होते हैं मोरी काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी अब आप बताइएगा कि अवंती की राजधानी दोस्तों कौन सी थी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से भी और एग्जाम की दृष्टि से तो इसका राज उज्जैन हो जाएगा दोस्तों क्या हो गया इसका उज्जैन ये भी याद रखिएगा अब बता दूँ गोप किसे कहते हैं तो गोप दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है दस गांवों के समूह को बीस गांवों के समूह को पूरे शहर को राज्य को तो गोप किसे कहते हैं मैंने आपको बताया भी था कि दस गांवों के समूह को गोप कहा जाता है ये भी याद रखिएगा गोप किसे कहते हैं दस गांवों के समूह को ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर प्रांतों को दोस्तों बात करते हैं प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था उसे क्या कहते हैं विषय और इसके जो रख, बुक होता है इसका रक्षक या बोलते हैं कि इसके मुखिया को क्या बोलते हैं तो उसको दोस्तों विषय को विषयक बोलते हैं या विषयपति बोलते हैं या प्रादेशिक बोलते हैं याद रखिएगा सभी मेगास्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी तो मेगास्तनीज ने इम्पोर्टेंट बताया था मैंने कि इंडी का पुस्तक लिखी थी मेगास्तनीज ने बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है तो हिंडी का पुस्तक लिखी कोटिल्य के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसमें बताना है आपको कि कौटिल्य के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है तो मैंने आपको बताया कि कौटिल्य के अनुसार समाज को दोस्तों चार वर्गों में बांटा गया है अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसका भी मैंने आंसर बताया था इम्पोर्टेंट बताया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार सात वर्गों में और कौटिल्य के अनुसार चार वर्गों में बांटा गया है ये भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है ये क्वेश्चन आया गया है सात वर्गों में बांटा गया है वैश्यावर्ती करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे मौर्य काल में तो आपको पता है होना चाहिए रूपा जिवा कहते थे उन्हें रूपा जिवा और अनिष्कासिनी किसे बोलते थे जो बाहर न जाने वाली स्त्रियां होती थी उसको अनिष्कासिनी भी बोलते थे दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह का नाम कौन सा बंदरगाह था तो वो है भरोच गुजरात में बता दिया था मैंने ये भी आपको मिलान करना है दोस्तों आपको बताइए मिलान करना है कि स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते हैं चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं और छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि स्वर्ण स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों निष्क बोलते थे क्या बोलते थे निष्क बोला करते थे स्वर्ण सिक्कों को चांदी के सिक्कों को कासापर्ण भी बोलते थे और एक और था चांदी के सिक्कों को एक चीज और बोलते थे धारण क्या बोलते थे धारण दोनों याद रखिएगा धारण बोलते थे तांबे के सिक्कों को दोस्तों मासक बोलते थे और जो चो छोटे छोटे तांबे के सिक्के होते हैं उन्हें कोकर्णी बोला करते थे ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था यह मैंने आपको बताया कि विनिमय का माध्यम कौन सा था पानी नहीं था वो पण सिक्का था ठीक है सॉरी सॉरी दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटिल ने अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का या विभागों के बारे में बताया तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्होंने अट्ठारह तीर्थों या विभागों का वर्णन किया था उनके बारे में बताया था दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों और आपके लिए मैं लाऊंगा दोस्तों एनटीपीसी और पटवारी के लिए सारे वीडियो नहीं लाऊंगा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है इंपोर्टेंट की दृष्टि से बेहद उपयोगी है उनमें से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आएंगे ही आएंगे दोस्तों तो उनके बारे में ओनली मैं पूरा जीके नहीं पढ़ाऊँगा यह आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको वही इंपॉर्टेंट बताऊँगा जिनमें से क्वेश्चन आएंगे ही ऐसे नहीं कि उनमें से नहीं आएगा यह हंड्रेड परसेंट है कि एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एक टॉपिक में से याद रखिएगा दोस्तों ठीक है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद